बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, हुदहुद किसे कहते हैं? ये परिंदा पानी कैसे तलाश कर सकता है? कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुदहुद का जिक्र कैसे फरमाया और इस परिंदे का अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम से क्या ताल्लुक था? हुदहुद के सर के बाल आसमान की तरफ क्यों उठे होते हैं? हुदहुद दरख्त क्यों काटता है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको हुदहुद के हवाले से इंतहाई हैरत अंगेज मालूमात फराहम करेंगे और कुरान मजीद में हुदहुद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू के हवाले से भी मालूमात फराहम करेंगे। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह नमल में हुदहुद का जिक्र इस तरह इरशाद फरमाया। अपने परिंदों का जायजा लिया और फरमाने लगे, ये क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देखता? क्या वाकई वो गैर हाजिर है? यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़िबा कर डालूंगा या मेरे सामने कोई सरी दलील बयान करे। कुछ ज्यादा देर न गुजरी थी कि आकर उसने कहा, मैं एक ऐसी चीज की खबर लाया हूँ कि आपको उसकी खबर ही नहीं। मैं सबा की एक सच्ची खबर आपके पास लाया हूँ। नाज़रीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो हुदहुद था जिसका नाम याफूर था, उसको रब्बे कदीर ने ये खूबी अता की हुई थी कि वो आसमान की बुलंदियों में उड़ते हुए ज़मीन की गहराइयों में पानी तलाश कर सकता था। हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये अर्ज़ की, ए पैगंबर खुदा, आप मुझे अपने लश्कर जर्रार के साथ लेकर चलें ताकि पानी की ज़रूरत पड़े तो मैं निशानदेही करूं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की उस खासियत की बहुत तारीफ़ की और उसे इजाज़त अता हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदहुद की बातचीत का जिक्र इस तरह है, एक मरतबा सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में पूरे जाओ जलाल के साथ तशरीफ़ फरमा थे। इंसान, जिन्नात, हैवानात के नुमाइंदे भी मौजूद थे लेकिन परिंदों में हुदहुद मौजूद न था। फरमाया, क्या बात है कि मैं हुदहुद को मौजूद नहीं पाता? अगर वो वाकई गैर हाजिर है तो उसको सख्त सजा दूंगा या फिर ज़िबा कर डालूंगा, इल्ला ये कि वो अपनी गैर हाजिरी की माकूल वजह बयान करे। उसी गज़ब में थे कि हुदहुद हाजिर हो गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सवाल पर कहने लगा कि मैं एक यकीनी खबर लाया हूँ जिसे आप नहीं जानते। वो ये है कि सबा के मुल्क पर एक मलिका हुक्मरानी करती है। अल्लाह ने उसको सब कुछ दे रखा है और उसका तख्त नहायत अजीम उशान है। मलिका और उसकी कौम सूरज की पूजा करते हैं। वो खुदाए वाहिद अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत नहीं करते। शैतान ने उनकी सूरज परस्ती को उनके लिए खुशनुमा बना दिया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह खबर सुनकर फरमाया कि तेरी सच्चाई का अभी इल्म हो जाएगा, मेरा ये खत ले जा और इस खत को उस मलका तक पहुंचा और इंतज़ार कर कि वो इस खत का क्या जवाब देती है। हुदहुद अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत लेकर उड़ा और खत मलका के सामने फेंक दिया। मलका खत पढ़कर अहले दरबार से कहने लगी कि अभी अभी ये खत अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से आया है, जो अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है, जो बड़ा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। खत का मजमून ये है कि तुम सरकशी का इजहार न करो और मेरे पास ताबेदार होकर आ जाओ। वजीरों और मुशीरों ने कहा, जहाँ तक मरूब होने का ताल्लुक है इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ताकतवर और जंगी कुव्वत के मालिक हैं। अलबत्त आखिरी फैसला आपके इख्तियार में है, जो मुनासिब समझें फैसला फरमाएं। मलका ने कहा, बेशक हम ताकतवर हैं लेकिन सुलेमान के मामले में हमें जल्दी नहीं करनी। मेरा ख्याल है कि पहले अपने नुमाइंदे भेजूं जो उसकी खिदमत में तहाइफ पेश करें, उससे उसकी शान शौकत और मिजाज का अंदाज़ा लगाएं कि वो हमसे क्या चाहते हैं। अगर वाकई कुव्वत और शौकत के मालिक हैं तो फिर उनसे लड़ना फजूल है, क्योंकि फातह बादशाहों का वतीरा होता है कि जब वो किसी शहर में फातहाना तौर पर दाखिल होते हैं तो उस शहर को बर्बाद और बाइज्जत शहरियों को जलील कर देते हैं। नाज़रीन, बाज़ मुअर्रिखीन ने जिक्र किया कि ये हुदहुद यमन के हुदहुद से खबर लाया था।
हुदहुद सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो था उसका नाम याफूर था, और यमन में जो हुदहुद था उसका नाम अनफीर था। यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुदहुद की मुलाकात वहां सबा की वादी में एक हुदहुद से हुई जिसका नाम अनफीर था, और उसने इस याफूर हुदहुद को खबर दी। सबा एक कौम का नाम है जो यमन में सिनआ से करीब आबाद थी और जिसका दारुसल्तनत मारब था। नाज़रीन, हुदहुद वो वाहिद परिंदा है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार शादी करता है और अपने जीवन साथी की वफात के बाद भी अकेले ही जिंदगी गुजारता है। ये अपनी मादा को महर में खाने की कोई चीज पेश करता है, अगर वो उसे खा ले तो इसका मतलब है कि वो शादी के लिए राजी है। फिर नर उस मादा को अपने घोंसले की तरफ लेकर जाता है जो अक्सर औकात किसी दरख्त में सुराख करके बनाया होता है। अगर उसे घर पसंद आ जाए तो दोनों रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो जाते हैं। मादा अमूमन हर मौसम में 6 से 8 अंडे देती है और बच्चे पैदा होने के बाद बारी बारी बच्चों की खुराक का बंदोबस्त करते हैं। अजीब बात यह है कि दोनों में से किसी को भी खाने की कोई चीज मिल जाए तो वो अकेले नहीं खाता बल्कि दोनों इकट्ठे खाते हैं। हुदहुद की छठी हिस इतनी तेज होती है कि वो जमीन के ऊपर से ही पानी महसूस कर लेता है। इसी वजह से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको जमीन पर पानी ढूंढने की ड्यूटी में अपने साथ रखा हुआ था। हुदहुद हजारों मील का सफर बगैर रुके तय करने की ताकत रखता है। इसी वजह से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे दूसरे मुल्क मलका बिल्कीस के पास खत देकर भेजा था। हुदहुद की अज़दवाजी जिंदगी आज के दौर के इंसानों के लिए एक मिसाल है कि वो अकल न रखने के बावजूद भी एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं और इंसानों के आपस में झगड़े ही खत्म नहीं होते। नाज़रीन, हुदहुद बर्रे आज़म एंटार्कटिका के अलावा हर बर्रे आज़म में पाया जाता है। इस परिंदे की एक खासियत ये भी है कि ये अपनी चोंच से लकड़ी काटता है। ये अमूमी तौर पर दरख्त पर चढ़ सकते हैं। लकड़ी को काटते हुए ये मजबूती से अपने पंजों में पकड़ लेता है, उसके बाद लकड़ी काटने का अमल शुरू करता है। लकड़ी काटते हुए टक टक की आवाज़ आती है। इस आवाज़ के ज़रिए ये आपस में गुफ्तगू भी करते हैं और लकड़ी काटते हुए ये मखसूस आवाज़ों के ज़रिए एक दूसरे को पैगामात भी पहुँचाते हैं। अलावा जी इस अमल के जरिए ये तनों में रहने वाले कीड़ों तक पहुंचते हैं और उन्हें अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं, जबकि अंडे देने के लिए भी ये दरख्त के तनों में सुराख बनाते हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि हुदहुद के सर पर परों का एक छोटा सा ताज होता है, यानी हुदहुद के पर ऊपर की तरफ उठे होते हैं। बाज़ मुअर्रिखीन ने रिवायात में लिखा है कि ये इस वजह से है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को पकड़ने के लिए उकाब को भेजा था, और जब उकाब ने वादी सबा में हुदहुद को बैठे हुए देखा तो गुस्से से हुदहुद को सर से पकड़कर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में लाया, और वो जो पर उसने चोंच में पकड़े थे वो आज तक उसी तरह ऊपर की तरफ उठे हुए हैं।